नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके जे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रंजीत और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। पहले नंबर का हमारा होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आज के समय में बहुत आगे पहुंच चुका है और जो लोग इसके इस्तेमाल को नहीं कर रहे हैं वो लोग पिछड़ने वाले हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंट्रीज जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही हैं, इसका खतरा भी बढ़ते जा रहा है। कई प्रकार से लोगों को आज के समय में लूटा जा रहा है एआई का इस्तेमाल करके। इसको कैसे करके रोका जा सकता है? डीप फेक जैसी घटनाएं होती हैं तो इसको कैसे करके रोका जाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ और उसका रेगुलेशन, इसके ऊपर पहला आर्टिकल हमारा रहेगा। इसके बाद हम सेकंड में चर्चा करने वाले हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, कौन कौन से कारक हैं, कैसे करके हम इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी शुरुआत फैक्ट्री से हो रही है, फिर हम लोग हैं जो कि इसको उपभोग कर रहे हैं, इसके बाद उपभोग करने के बाद इसको बाहर खुले में डाल दिया जाता है। अब खुले में डालने के बाद गाय इसको खाएगी, गाय नहीं खाएगी तो ये बारिश के टाइम में यहां से बहते हुए नाले में जाएगा, नाले से जाएगा नदी में और नदी से जाएगा समुद्र में। फिर यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं वो उसको खाते हैं या फिर इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। कुल मिलाकर के जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, एक तो धीरे धीरे करके ये जो प्लास्टिक रहता है ना समुद्र में, इसके कण टूटते जाते हैं और फिर ये समुद्र में नदी में इसका जो जहर है ना वो घुलने लग जाता है और फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे। जैसे मछली, मछली उसी पानी को पी रही, पॉलीथीन को खा रही, उसी मछली को हम खा रहे हैं, तो डायरेक्ट वो हमारे ही पास आ गया है प्लास्टिक किसी न किसी प्रकार के। तो इस प्रकार से इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखेंगे कि कैसे करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम पहले एडिटोरियल को जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हाल फिलहाल में प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए ना केवल कंट्री लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में वर्ल्ड प्लास्टिक ट्रिटी की चौथे नंबर के दौर की बातचीत चल रही है। तो प्लास्टिक के यूज़ को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के कम से भी कम 175 सदस्य देशों ने एक मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग का नाम रखा गया था वैश्विक प्लास्टिक संधि, और ये इसकी चौथे नंबर की अभी बैठक हाल फिलहाल में संपन्न हुई है। इस ट्रिटी का मकसद है, इस संधि का मकसद है कि 2024 के लास्ट तक ऐसे समय सीमा के साथ एक कानूनी कागज हम तैयार करेंगे कि सब देश प्लास्टिक उत्पादन पर रोक लगाने, अंकुश लगाने, बर्बादी पैदा करने वाले इसके इस्तेमाल को ख़त्म करने, इसके उत्पादन में किए जाने वाले कुछ रसायनों पर प्रतिबंध लगाने, साथ ही साथ रिसाइकलिंग के लिए टारगेट निर्धारित करने के लिए सहमत हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे करके हम कम करेंगे। सबसे पहले तो इसका प्रोडक्शन कम करिए, इसके बाद ठीक है इसका यूज़ कम करिए, इसके बाद क्या किया जा सकता है, इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि खतरनाक रहते हैं उनको कम डालना है। इसके अलावा हमें प्रयास करना है रिसाइकलिंग के लिए। देखिए, लेकिन किस्मत ऐसी चल रही है कि बदकिस्मती से अभी तक कोई समझौता नहीं आया है। इस साल नवंबर में साउथ कोरिया के बुसान में वार्ता का एक और दौर निर्धारित किया गया है कि हम एक बैठक और करेंगे। ठीक है, शुरू की जो दिक्कत है वो क्या है, वो पैसे की दिक्कत है। यदि इस इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, लोगों का रोजगार छिन जाएगा, ऐसे बहुत सारी इससे जुड़ी समस्याएं हैं। सऊदी अरब, अमेरिका, रसिया, भारत और ईरान जैसे तेल उत्पादक और रिफाइनिंग देश प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए किसी सख्त समय सीमा के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं कि आप पार्टिकुलरली इतने टाइम पीरियड में ही हमको इसको ख़त्म करना है।
इसके अलावा कई सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके द्वारा समर्थित अफ्रीकी देशों का गठबंधन कटौती की समय सीमा को प्रभावी करने के लिए 2040 के आसपास बोल रहा है कि ये टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखा जाए ना, तो अभी इसमें भी सहमति नहीं बन पाई है। साथ ही साथ इस ट्रीटी में जो विवादित तत्व हैं, इन पर फैसला मतदान से होगा या सर्वसम्मति से होगा, ठीक है, जिसका मतलब ये हो गया है कि हर देश के पास वीटो होना चाहिए। अब यहां पर जो बाध्यकारी लक्ष्यों के प्रति असहज होने के अलावा भारत की राय ये है, भारत कह रहा है कि आप इसको एकदम कंपलसरी मत बनाइए। भारत कहता है कि लोगों को मन मुताबिक करने दो, हम भी हमारे मन मुताबिक काम करेंगे कि इसको कम करना है कि नहीं करना है। तो सख्त सीमा के प्रति हम लोग तैयार नहीं हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, ने ये यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज बोल रहे हैं कि भाई 2040 के आसपास का टाइम अच्छा है, लेकिन भारत इस बात से सहमत नहीं है। भारत की राय यह है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक टूल्स को, ठीक है, क्या बोल रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण होना चाहिए, वित्तीय सहायता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और भारत इसका एकमात्र ऐसा देश नहीं था जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था। जलवायु वार्ता में निहित साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत की ये याद भी दिलाता है कि भाई ये हमारे अकेले जिम्मेदारी नहीं है, ये सब लोगों की जिम्मेदारी, इसलिए भारत ने अपना इस प्रकार से पक्ष रखा है। इसके अंतर्गत सभी देशों के सामने एक साझा लक्ष्य होगा, ऐसा नहीं है कि वो मेरी अकेले जिम्मेदारी है, ये एक साझा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त देश हैं उन्हें दूसरों देशों की सहायता भी करनी चाहिए, साथ ही साथ और खुद के लिए कड़े लक्ष्य निर्धारित उनको करना पड़ेगा। जिस साल प्लास्टिक संधि पर विचार किया गया था, मतलब 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को लागू किया था। जिस टाइम में ये ट्रीटी आई थी उसी समय भारत एक कानून लेकर के आ गया था और बोला था हम प्लास्टिक में बैन लगा रहे हैं। लेकिन ये बैन किस प्रकार से लगा था, उस बैन में और आज के टाइम के बैन में हमें तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज भी हम वही उतनी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उस समय भी वही प्लास्टिक यूज़ कर रहे थे। तो इसने क्या काम किया था, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की 19 कैटेगरी था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्लास्टिक की बोतलें, यहां तक कि 200 मिलीलीटर से कम की बोतलें, इसके अलावा मल्टी लेवल पैकेजिंग बॉक्स जैसे दूध के डिब्बे शामिल नहीं किए गए थे। इसके अलावा सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर भी प्रतिबंध को नेशनल लेवल पर समान रूप से लागू नहीं किया गया था, और कई दुकान इन वस्तुओं की अपने खुदरा बिक्री को जारी रखे हुए हैं। एक एनजीओ है, अर्थ एक्शन की एक रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से बोला गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का वैश्विक वितरण आसमान है, कहीं का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहीं कम यूज़ हो रहा है, और 60% प्लास्टिक कचरे के लिए ब्राज़ील, चीन, भारत, अमेरिका जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है एंड अमेरिका है, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इसके लिए बहुत जिम्मेदार मानी जाती हैं। अब एक तरफ तो हमें जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल से अलग हटना है, पेट्रोल डीजल गैस के इस्तेमाल को कम करना है, ठीक उसी प्रकार से प्लास्टिक पॉल्यूशन से भी निपटने के लिए ट्रीटी पर खाली हस्ताक्षर करके काम खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से टारगेट तय करने से पहले इसके हमें वैकल्पिक उत्पाद तैयार करना पड़ेगा कि प्लास्टिक यदि हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी जगह में आखिर हम क्या यूज़ करेंगे, तब जाकर के हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड एडिटोरियल की तरफ चलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है।
यहाँ पर ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से मिसयूज़ हो सकता है। तो आज के समय में जो जनरेटिव एआई है इसका मिसयूज़ बढ़ते जा रहा है। इंश्योरिंग दैट कंज्यूमर्स कैन नेविगेट डिजिटल स्पेस सेफली हैज़ बिकम क्रूशियल। इसलिए आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि जितने भी जो कंज्यूमर्स लोग हैं वो अपने आप को ऑफलाइन दुनिया से डिजिटल स्पेस में सेफ तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए, परिवर्तन कर पाए। आज के समय में इंटरनेट की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जो है बढ़ती जा रही है। मैं यदि इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था और अब इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे करके उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई थी, उसी न्यूज़ पर आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है एंड इसी लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। हाल फिलहाल में देखा जाए अमेरिका की ये न्यूज़ है, ठीक है। यूएस सीनेट में क्वेश्चन उठाए गए थे, एक किडनैपिंग का केस था अबाउट द डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें बोला गया था कि इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास में कोई कॉल आता है, उसमें बोला जा रहा है कि आपकी बेटी को किडनैप किया गया है, यदि आप इतने पैसे नहीं देते हैं तो आपकी बेटी को हम मार देंगे। इसी प्रकार का ये केस है अमेरिका का। इसके अलावा आपकी बेटी से बात भी कराई जा रही है, ठीक, और आपकी बेटी बोल रही है कि आप इनको पैसे दे दीजिए नहीं तो ये मेरे को मार देंगे। आपकी बेटी खुद बोल रही है तो अब आप मजबूर हो गए, आपको तो पैसे देने ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किडनैपर्स ने क्या काम किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपकी बेटी को रियल में नहीं अपहरण किया था और ना उसके पास बेटी है, इसके बावजूद भी वो एआई का इस्तेमाल करके आपकी बेटी की आवाज़ निकाल करके, बेटी की आवाज़ निकाल करके बना करके आपसे बात करवाया है। इस प्रकार से उसने क्या किया है, जो एआई है, जनरेटिव एआई है, उसका मिसयूज़ किया है। अब हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से साइबर थ्रेट्स को हम फेस कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसका जो इंटीग्रेशन है बहुत सारे सेक्टर में आज के समय में हो चुका है, जैसे कि एजुकेशन का सेक्टर है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है एंड मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। इसके अलावा साथ ही साथ इसने ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है हमारी सोच में, साइबर रिस्क को बढ़ा दिया है, सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें आज के टाइम में उठने लगी हैं। यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ट्रेड है कितना बढ़ चुका है, तो देखिए, एआई इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज ग्लोबल जीडीपी एज मच एज $7 से $10, सॉरी $10 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन जीडीपी इंक्रीज होने वाली है एआई के इस्तेमाल करके। इसके अलावा जनरेटिव एआई सॉल्यूशन, जैसे कि चैट जीपीटी आया था नवंबर 2022 में, इसने भी कुछ विस्कसियस साइकिल पैदा कर दिया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस का। अब किस प्रकार के खतरे बढ़ रहे हैं यदि देखा जाए तो, एक रिसेंटली पब्लिश की गई रिपोर्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि देयर हैज़ बीन ए 1265% इंक्रीज इन फिशिंग इंसिडेंट या फिर फिशिंग ए मेल। धमकी से भरे खत आते हैं, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, चलाते चलाते आपका मोबाइल को हैंग कर देते हैं वो लोग, वेबसाइट से आप ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे, बोल रहे हैं कि एज इतने पैसे दो तभी कुछ होगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार से जो खतरा है, जो फिशिंग का खतरा है, थ्रेट्स वाली ईमेल का खतरा है, वो 1265% इंक्रीज हो चुका है। 967% इंक्रीज देखने को मिला है क्रीडेंशियल फिशिंग का सिंस द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022
arising from the exacerbated utilization manipulation of generative AI. क्रीडेंशियल फिशिंग के 967% केस बढ़ चुके हैं सन 2022 से, यदि हम देखें। तीसरे नंबर में एक स्टडी के हिसाब से बोला जा रहा है, जिसको कंडक्ट किया गया था डीप इंस्टिंक्ट के माध्यम से, बोला जा रहा है कि 75% ऑफ प्रोफेशनल विटनेस एंड अपसर्ज इन साइबर अटैक। 75% लोग ऐसे हैं, प्रोफेशनल्स लोग ऐसे हैं जो कि साइबर अटैक को फेस किए हैं पिछले साल एक साल में, जबकि 85% सर्वे किए गए रिस्पोंडेंट ऐसे थे हैव एट्रीब्यूटेड द इंक्रीज रिस्क टू जनरेटिव AI। 85% लोग बोल रहे हैं कि जनरेटिव AI से रिस्क जो है बढ़ चुका है। आगे बात करी जाती है कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या हमको करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के समय में ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है, ठीक है, ये काफ़ी इम्परेटिव हो गया है पहले से भी कहीं ज़्यादा, कि हमें कुछ सॉल्यूशन को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए कलेबरेटिव एफर्ट अपनाना पड़ेगा, ठीक है, सब लोगों का सहयोग ज़रूरी है ताकि हम सेफगार्ड कर सकें क्रीडेंशियल इंफॉर्मेशन को, आइडेंटिटीज़ को, यहाँ तक कि ह्यूमन राइट को भी हम बचा सकते हैं। वहीं यदि देखा जाए, ये जो जनरेटिव AI कंटिन्यूस टू मैच्योर, न्यूअर मोर कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स हैव अराइज़न। आज के समय में समय बढ़ते जा रहा है, समय बदलते जा रहा है, और इसी के साथ साथ में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खतरे हैं वो भी और भी ज़्यादा नए नए हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। आज के टाइम में ये सोचा जा रहा है कि कंप्यूटर को कैसे करके हम इंसानों की तरह सोचने लायक बना दें, और यही सोच से जो साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं वॉइस एक्टिवेशन टॉयस आज के समय में बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे मोबाइल गैजेट, फ़ोन, कंप्यूटर, जो कि इनकरेज करते हैं डेंजरस बिहेवियर्स को इन चिल्ड्रन और पोसिंग ए ग्रेव थ्रेट टू वंस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वॉइस एक्टिवेशन वाले खिलौने बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, जो कि बच्चों का जो चिल्ड्रन का बिहेवियर है ना, उसको चेंज कर देता है, या फिर किसी की प्राइवेसी को खतरा पैदा करना भी AI के अंतर्गत आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो रिमोट एंड रियल टाइम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसका आज के समय में इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपको आपके फेस को डिटेक्ट किया जा रहा है, आपका फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। अब इस डेटा का इस्तेमाल सामने वाला थर्ड पार्टी कर सकता है, आपके डेटा को चुरा करके हो सकता है आपके साथ में धोखाधड़ी हो जाए और आपका जो बैंक बैलेंस है उसको उड़ाया जाए। इससे लोगों की जो राइट टू प्राइवेसी है ना, वो खतरे में पड़ जाती है, एंड मैसिव इंडेंजर्ड इंडिविजुअल ऑन सेवरल लोकेशन इन रिसेंट टाइम। और इस प्रकार से आज के समय में जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, बहुत सारे खतरे एक साथ में झेल रहा है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो 70% जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है AI का इस्तेमाल करके। जैसे कि हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड का सजेशन आ जाता है, यूट्यूब में जब हम कोई चीज़ सर्च मारते हैं तो उसी प्रकार की चीज़ें दिखाने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संभव हो पाई है, और इससे हमारा जो कामकाज है और भी ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन एक तरफ से जो संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, वो रिस्क में पड़ गए हैं कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि आज के समय में आप देखोगे ना तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर फिशिंग अटैक हो रहे हैं 37% अनडिटेक्टेबल, जिनको आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अटैक का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जा रहा है 33% ऐसी संस्थाएं हैं। ग्रोविंग प्राइवेसी कंसर्न वो 39% संस्थाएं हैं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। एंड कुछ कुछ जो जनरेटिव AI सॉल्यूशन लाए गए हैं, उसने आज के समय में खतरे की घंटी को बजा दिया है, मतलब कुछ चीज़ें चिंता वाली
जैसे कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है ट्रांसलेशन में एंड आइडेंटिफाइंग कोडिंग एरर टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक को और भी ज़्यादा कैसे करके बढ़ा सकते हैं? कोडिंग ही जब हो रही है शुरू में, तो उसी टाइम कोडिंग को चेंज कर दिया गया, तो आगे का जो असर रहेगा, जो प्रोग्राम बनेगा, वो उल्टा सीधा हो जाएगा, या फिर वो लोग जैसा चाहते हैं उस हिसाब से बन जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम देखें तो ब्लैचले डिक्लेरेशन किया गया था इस चीज़ से निपटने के लिए। पूरी दुनिया के जो लीडर हैं उन्होंने कुछ कोलेबरेटिव प्रयास किए हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें क्या क्या इससे खतरे हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में साइन किया गया है ब्लैचली डिक्लेरेशन, कहाँ पर? एआई सेफ्टी समिट में। कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सिग्नेटरी रही हैं, जिन्होंने सिग्नेचर किया, जैसे कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी कुछ कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि पॉलिसी से रिलेटेड एफर्ट लगाए जा रहे हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यदि हम इसके चैलेंजेस से निपटना चाहते हैं। जैसे कि इन्हेंसिंग द स्टांस ऑफ वाटर मार्किंग टू आइडेंटिफाई एआई जनरेटेड कंटेंट। पहले नंबर की बात तो ये है, यदि एआई जनरेटेड कोई कंटेंट कहीं पर प्ले हो रहा है, तो उसमें वाटर मार्क आना चाहिए, ठीक है, स्क्रीन में दिखना चाहिए कि एआई के द्वारा जनरेटेड है। इससे जो साइबर थ्रेट्स हैं उसको कम किया जा सकता है। एआई जनरेटेड कंटेंट्स हैं, वार्निंग कंज्यूमर्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और जो कंज्यूमर्स लोग हैं वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। अगला जो प्रयास किया जा सकता है वो इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर के बीच में है, कि दोनों को कैसे करके आपस में कलेब्रेशन के साथ में काम करना है। आगे जो प्रयास किया जा सकता है वो है डिजिटल अवेयरनेस का, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागरूक करना है कॉरपोरेट लेवल, एंड ज़्यादातर जो जोर दिया जाना चाहिए वो है डिजिटल अवेयरनेस को वाया ऑक्यूपेशनल मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग सेशन। इससे जो डिजिटल फ्लुएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है वर्क प्लेस में। इस प्रकार से अगला जो कदम है वो सरकारें उठा सकती हैं, क्योंकि हम सरकार की, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, और इनके द्वारा ही इस प्रकार की आवाज़ें उठाई जाती हैं और सरकारों तक पहुंचाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये इजराइल और गाजा में जो अभी वार चल रहा है उससे रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पर हम अमेरिका और इजराइल के रिलेशनशिप को देखेंगे, क्योंकि इजराइल और गाजा के बीच में यदि युद्ध चल रहा है ना, तो इस समय क्या काम किया है अमेरिका? हथियार की सप्लाई किया है किसको? इजराइल को। ये लो हथियार, लड़ो, मारो और खुद भी मर जाओ। यही तो होगा, यदि आप लड़ रहे हैं तो आपको भी तो खतरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाली टीम ही अकेली खतरे में रहेगी या फिर उसी को बस जान की नुकसान रहेगा। देखिए, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के है कि इतने सारे जो सिविलियंस की जान जा रही है, इसके बावजूद भी अमेरिका चुपचाप कैसे बैठा है, और इसके लिए लोग अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसने कोई भी प्रयास नहीं किया युद्ध को रोकने के लिए। अब जाकर के एक बयान आया है बाइडेन की तरफ से, इसने बोला गया है कि अमेरिका अब आर्म्स की सप्लाई नहीं करेगा इजराइल को यदि वो रफाह पर अटैक करता है। तो अभी प्लानिंग कर लिया है किसने? इजराइल ने, कि वो रफाह पर अटैक करेगा। कुल मिलाकर के अमेरिका को अब ये समझ में आ गया है वहाँ की सरकार को, कि लोग मेरे से खुश नहीं हैं, और यदि मेरे से खुश नहीं है इसका मतलब ये है मुझे वो चुनाव में नहीं जुटाएंगे। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस प्रकार से अमेरिका में जो बाइडेन की तरफ से खुलेआम ये चीज़ बोली गई है कि हम जो है अब ऑफेंसिव वीपन सप्लाई नहीं करने वाले हैं इजराइल को यदि उसने लॉन्च किया ऑल आउट असॉल्ट ऑन रफा।
ये लास्ट मेजर हमास स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, मतलब यहाँ पर भी हमास का कहना चाहिए गढ़ माना जाता है गाजा में। लेकिन यहाँ पर कंसर्न है वेलबींग ऑफ मोर देन 1 मिलियन सिविलियंस जो कि यहाँ पर शेल्टर में रह रहे हैं, इसलिए अमेरिका की तरफ से मना कर दिया गया है कि यदि आपने युद्ध छेड़ा तो हम आपको वीपन्स एंड जो आर्टिलरी सेल्स हैं इनको नहीं देने वाले हैं। बोला जा रहा है कि जो 7 अक्टूबर का अटैक था इसमें 1200 लोग ठीक है की जान गई थी इसराइल में, एंड लीड टू अबाउट 250 बीइंग टेकन कैप्टिव बाय मिलिटेंट। इसमें क्या हुआ था, 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। आगे बोला जा रहा है कि जो शिपमेंट रहा था, शिपमेंट में बोला जा रहा था कि भाई 1800 से 900 केजी जो है बॉम्ब रहेगा, 1750 नहीं ये तो बहुत ज़्यादा केजी में है, ये बहुत बड़ी मात्रा में है, ये 1800000 किलोग्राम है ठीक है, एंड ये जो है 1700000 किलोग्राम बॉम्ब। ये बात पता चली है एक यूएस सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल की तरफ से ठीक है, इन्होंने बोला था कि भाई आगे किसी को ये खबर बताना नहीं है। अब अमेरिका को भी बड़े मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है युद्ध वाली कंडीशन में, इसलिए वो जो है अपने हथियार की बिक्री करता है, मतलब एक प्रकार से उसको मौका मिल गया है तो वो क्यों अपने हथियार नहीं बेचेगा, इसलिए वो कभी भी युद्ध के टाइम में अपने आप को पीछे नहीं हटाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो न्यूज़ आई है वो पद्म अवार्ड 2024 से रिलेटेड आई है, तो PIB की ये न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन लोगों को अवार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं, पद्म विभूषण के लिए 5 हैं एंड 17 लोग जो है पद्म भूषण के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। पद्म विभूषण किन किन को मिलने वाला है, वैजयंती माला बाली को, इसके बाद चिरंजीवी को एंड एम वेंकैया नायडू को मिला है, बिंदेश्वर पाठक एंड पद्म सुब्रह्मण्यम 110 पद्मश्री अवार्डीज हैं, 30 वुमेन अवार्डीज हैं एंड 9 जो है पोस्थमस दिया जा रहा है। 17 पद्म भूषण हैं किन किन को मिला है, पब्लिक अफेयर के मामले में एम फातिमा बीबी को, लिटरेचर एंड एजुकेशन के मामले में हॉर्मुसजी एन कामा को, आर्ट के मामले में मिथुन चक्रवर्ती है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मामले में सीताराम जिंदल है, ट्रेड इंडस्ट्री में यंग लिवी है, मेडिसिन के मामले में अश्विन बालचंद मेहता है, पब्लिक अफेयर सत्यव्रत मुखर्जी है, पब्लिक अफेयर राम नायक, मेडिसिन के मामले में तेजस मधुसूदन पटेल, पब्लिक अफेयर ओलानचेरी राजगोपाल, आर्ट के मामले में दत्तरे अंबादास मायालू, स्पिरिचुअलिज्म के मामले में टोगडन रिनपोचे, आर्ट के मामले में प्यारेलाल शर्मा, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर है मेडिसिन के मामले में, और आर्ट के मामले में उषा उथम्प है, विजयकांत है, जर्नलिज्म के मामले में कुंदन व्यास को ये अवार्ड दिया गया है। पद्म अवार्ड के बारे में यदि हम बातचीत करें तो ये तो पद्म अवार्ड हैं इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर माने जाते हैं ठीक है, सिविलियन मामले में सबसे ऊपर जो अवार्ड दिया जा रहा है उनको पद्म अवार्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर इसका अनाउंसमेंट किया जाता है ठीक है, फॉलोइंग द भारत रत्न ठीक उसी प्रकार से। एंड बोला जा रहा है कि ये जो अवार्ड होते हैं डिज़ाइन इस प्रकार से किए गए हैं कि किसी व्यक्ति ने बेहतर काम किया है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उसको थोड़ा सा हम बढ़ावा दें। इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में ठीक है, भारत रत्न के साथ ही साथ में। तो शुरुआत में जो पद्म विभूषण था इसकी 3 क्लासेस थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। बाद में 1955 में इनका नाम चेंज कर दिया गया था। तो पद्म अवार्ड सबसे पहले पद्म विभूषण आ जाता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर आता है पद्मश्री। अवार्ड की कैटेगरी की यदि हम बात करें तो पद्म विभूषण जो है
एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, इनको आप देख लीजिए, एंड कौन कौन लोग इसके लिए नॉट एलिजिबल हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों को छोड़ करके इनको अवार्ड मिल जाता है। द अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स एंड कैन नॉट बी यूज एज प्रीफिक्स और सुफिक्स टू द अवार्डीज नेम। आपके साथ में इस नाम को नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। वहीं यदि हम नंबर ऑफ अवार्ड्स की बात करें कि हर साल कितना दिया जा सकता है, इसमें मृत्यु उपरांत भी हो जाता है, ठीक है, NRI, फॉरेनर, OCI लोग भी हैं, ठीक है, 120 मैक्सिमम हो सकता है, संख्या निर्धारित करी गई है। नॉमिनेशन किस प्रकार से होता है, तो इस नॉमिनेशन को रिव्यू किया जाता है पद्म अवार्ड कमेटी के माध्यम से, ठीक है, इसका फार्मुलेशन किया जाता है हर साल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कमेटी में बात करें तो इसमें इसको लीड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड 4 से 6 इसमें कुछ और भी मेंबर रहते हैं। कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दिया है वो प्रधानमंत्री को भेजा जाता है एंड फिर प्रधानमंत्री के बाद इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए। अगली जो हम यहाँ पर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो चाइना के एक एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक पोत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है फुजियन, इसने कंप्लीट कर लिया है 8 दिन के सी ट्रायल को, इसलिए ये न्यूज़ मिला है। चाइना का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है फुजियन, इसने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया है इसके 8 डे मैडन सी ट्रायल को। फुजियन बोला जा रहा है ये 80,000 टन का सुपर कैरियर माना जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्स हमको देखने को मिलते हैं ताकि यहाँ से किसी एयरक्राफ्ट की लॉन्चिंग किया जा सके एंड इसी के चलते चलते चाइना जो है सेकंड कंट्री बन गया है आफ्टर US। US पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है चाइना टू फील्ड ए सुपर कैरियर विथ हिस टेक्नोलॉजी, जिसमें ठीक है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगाई गई है इस प्रकार के सुपर कैरियर में। सी ट्रायल के दौरान बोला जाता है ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, इसका प्रोपल्सन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड अदर जो इक्विपमेंट है उनकी टेस्टिंग करी गई थी एंड अचीव्ड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और जो चाहिए था वो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है। आने वाले नेक्स्ट स्टेज में बोला जा रहा है कि यहाँ की जो आर्मी है, आर्मी मतलब हम नेवी की बात कर रहे हैं, ये जो है फुजियन को कंडक्ट करेगी फॉलो अप टेस्ट के लिए, ऐसा जो है एस्टेब्लिश प्लान के हिसाब से किया जाना है। ये न्यूज़ आई है चाइना मिलिट्री ऑनलाइन के माध्यम से। एंड वहीं यदि बोला जाए, एक इंग्लिश लैंग्वेज वेबसाइट है चाइनीज़ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये चीज़ पता चली थी, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है सेट सेल फॉर ट्रायल्स फ्रॉम जियांगनन शिपयार्ड इन संघाई ऑन 1 मई। सबसे पहले तो इसका जो सेल का ट्रायल है ना, मतलब इसको चलाने का जो ट्रायल है वो 1 मई को सेट किया गया था। जगह का नाम ये है जियांगनन शिपयार्ड, यहाँ से इसकी प्लानिंग करी गई थी। लेकिन इस प्रकार का जो डेवलपमेंट चल रहा था ना, इसको वेरी क्लोज तरीके से इंडिया एंड अदर कंट्रीज की तरीके कंट्रीज़ की तरफ से वॉच किया गया था बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, ठीक है। एंड ऐसी कंट्रीज़ जो खुद प्लानिंग कर रहे हैं कि हम बिल्ड करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर एस बीजिंग रैपिडली एक्सपांड इट्स मैरीटाइम पावर एंड प्रेजेंस, क्योंकि चाइना अपनी मैरीटाइम प्रेजेंस को तेज़ी के साथ में बढ़ा दे रहा है। तो इसका जो नाम रखा गया है ये चाइना का जो ईस्ट प्रोविंस है फुजियान, उसके नाम पर रखा गया है एंड इसको 18 नंबर दिया गया है एंड इसको लॉन्च किया गया था जून 2022 में। यदि हम लास्ट मंथ की बात करें, चाइना ने अनाउंसमेंट किया था कि ये बिल्ड कर रहा है इसके 4th नंबर का एयरक्राफ्ट कैरियर, लाइकली ए न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर। ये जैसे किस प्रकार से रहेगा, न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर रहेगा,
ठीक है, इसको बहुत ही जल्दी वो लॉन्च करने वाला है। चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था वो था लायोनिंग, इसको कमीशन किया गया था सन 2012 में। एंड सेकेंड नंबर का जो कैरियर था सेडोंग, इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। और तीसरे नंबर का क्या हो गया, फुजियान। पहले नंबर का 2012 में लायोनिंग, 2017 में सेडोंग, और अभी 2022 में फुजियान है। चाइना ने अभी तक देखा जाए तो 400 से भी ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं, 20 मेजर वारशिप है, एंड डबल कर लिया है इसके मिसाइल इन्वेंट्री सिस्टम को। मतलब चाइना मजबूत कर रहा है अपनी मिलिट्री को। वहीं यदि हम इंडियन नेवी के कैरियर की बात करें तो जो इंडियन नेवी करेंटली ऑपरेट करती है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को, ठीक है, ये जो रशियन कैरियर है उसको हम रिफर्बिश किए हैं, INS विक्रमादित्य को, इसको कमीशन किया गया था 2013 में। एंड एक और हैंड डिजिटली इसको डिज़ाइन किया गया है INS विक्रांत को, तो विक्रमादित्य है और INS विक्रांत है। विक्रांत को हमने कमीशनिंग करी थी सन 2022 में। यदि हम लास्ट ईयर के सेकंड हाफ की बात कर लें तो इंडियन नेवी अब आगे बढ़ रही है एक सेकंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से, ठीक है, ए रिपीट ऑफ विक्रांत लाइक कैरियर। विक्रांत लाइक कैरियर की तरह ही हम इसका निर्माण करने वाले हैं। इसको अप्रूवल मिला था डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से लास्ट सितंबर में, एंड अभी ये वेट कर रहा है अप्रूवल के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, ठीक है, जो कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि काम चालू हो जाएगा।